सीमा पर चीन की गुस्ताखियों का गुस्सा देश के अंदर देखने को मिल रहा है। लोगों का खून खौल रहा है और चीनी सामान का बहिष्कार बढ़ता जा रहा है। देश में गुस्से का आलम यह है कि सिर्फ चीनी सामान ही नहीं बल्कि जिन कंपनियों में चीन के कंपनियों के शेयर हैं उनका भी विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो के खिलाफ कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, कंपनी की टी शर्ट और सामान जलाया। वहीं कई लोगों ने कंपनी छोड़ दी। जोमेटो में चीन की कंपनी अलीबाबा का शेयर। पटना में भी चीनी कंपनियों को गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बन रहे पुल का टेंडर रद्द कर दिया गया। निर्माण में लगी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां चीन की थी, जिसे देखकर यह फैसला लिया गया। भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों का असर यहां पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे एक पुल पर भी पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण में लगी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां चीन की कंपनियों से जुड़ी हुई थी। चूंकि भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही है, ऐसे में कोई चीनी कंपनी किसी परियोजना में कैसे हिस्सा ले सकती है। यही वजह है कि इसके टेंडर को रद्द कर दिया गया है। कानपुर में व्यापारियों ने सैनिकों की शहादत के विरोध में चीन के राष्ट्रपति की शव यात्रा निकाली और चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। बहरहाल चीन को लेकर देश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सीमा पर देश के वीर जवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, तो देश के अंदर चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज है।